Assalamu alaikum viewers, welcome to Scholar Institute. I am glad that you tuned in with me. So viewers, we are going to solve Allama Iqbal Open University assignment. ये असाइनमेंट है स्प्रिंग 2021 की जो कि स्टार्ट हो चुका हुआ है. इसका कोर्स है कंपलसरी इंग्लिश 2 और ये डील करती है 1424 को, 5411 को और 9408 को, राइट जी. और ये जो लेवल है ये है बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. इसके टोटल मार्क्स 100 हैं और आपने 50 मार्क्स इसमें से जो है वो गेन करने हैं, राइट. सो यहाँ पर ये असाइनमेंट नंबर 1 अभी हम सॉल्व कर रहे हैं. असाइनमेंट नंबर 1 जो बेस करती है वो यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 4 पे. यहाँ डिफरेंट क्वेश्चन है. अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व कर चुके हैं. इसे मैं थोड़ा स्लो डाउन इसलिए कर रही हूँ ताकि बच्चे देख लें कि किस तरह जो है वो आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी. और देन इसके साथ साथ हम इसका जो ये पार्ट 1 है और ये इसका क्या है जी पार्ट 2 है जो एक्सपोजिटरी ऐसे पे बेस करता है, इसके बारे में मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है. अगर डिटेल आपने लेक्चर्स देखने हैं तो इनके क्वेश्चन मौजूद हैं, आप चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है जी. टाइप ऑफ एक्सपोजिटरी ऐसे वो थोड़ा सा डिटेल दिया है. देन यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग हर कर चुके हैं. इसमें आपने ऐसे लिखने हैं अ विजिट टू अ संडे मार्केट, ठीक है जी. इसके दो ऑप्शन दिए हैं ताकि आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करें या दोनों को मर्ज करके एक बना लें. क्वेश्चन नंबर 3 है जी. क्वेश्चन नंबर 3 में आपने फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग के बारे में फाइंड आउट करना है, उनकी रीजंस बतानी है, ये भी यहाँ सॉल्व है. क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि सीक्वेंस मार्कर पे बेस करता है, ये मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एक पैराग्राफ लिखना है अ डे इन द लाइफ ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, तो ये इसके बारे में मैंने डिटेल यहाँ पर आपको लेक्चर दे दिया. आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं, उनके सबके डिस्क्रिप्शन जो है लिंक्स जो है इस वीडियो के एंड पे है. इसके अलावा आज हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 हल करने से पहले मैं बताती चलूं कि तमाम बुक के लेक्चर जो हैं वो मैंने दे चुकी हूं. अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं जैसा कि यहां आपको गाइड किया जाएगा, अभी देखते हैं कि हमें सजेस्ट करें पेज नंबर 62-61. तो इसके लेक्चर जो है वो मौजूद हैं, उनके तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप इन्हें देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं. सो कहते हैं जी रीड द टेक्स्ट टाइटल एज प्लांटिंग अ ट्री. आपने टेक्स्ट पढ़ना है प्लांटिंग अ ट्री, ठीक है. स्टेप बाय स्टेप गाइड, ठीक है जी. स्टेप बाय स्टेप गाइड होता है हर एक मरले के बाद दूसरे मरले को पढ़ना कि किस तरह जो है एक दरख्त को उगाया जाता है. इस पेज पे पढ़ना है पेज नंबर 60-61 केयरफुली और एहतियात से. नाउ ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर डिपॉजिटिंग कैश विद अ बैंक. और फिर वो कह रहे हैं कि आपने क्या लिखना है, डिपॉजिटिंग अ कैश विद अ बैंक. एक बैंक में आप कैश जो है वो कैसे डिपॉजिट करवाते हैं उसके बारे में. राइट अ पैराग्राफ ऑन इट बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट सीक्वेंस मार्कर. और आपने क्या करना है, इसमें सीक्वेंस मार्कर यूज करने हैं, ठीक है. 10 मार्क्स का ये है. इसमें मैं बता चलूं ये बहुत डिटेल में मैंने बताया. फ्लो चार्ट आपने कैसे बनाना है वो आपने इस ये जो जो है 60-61 के जो लेक्चर्स हैं इस पेज के वो आपने जाके देखने, वहां मैंने फ्लो चार्ट बताने का तरीका बताया हुआ है. बुक में मौजूद है, वहां समझाया हुआ है. आपने उस तरह जो है एक फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है जी. नेक्स्ट जी है आंसर. आंसर देखते हैं डिपॉजिटिंग कैश विद द बैंक. एक बैंक में कैश को डिपॉजिट कैसे करते हैं. इफ यू बिलोंग टू अ रीजनल आर नेशनल बैंक, अगर आप किसी रीजनल या नेशनल बैंक में आपका अकाउंट है, यू कैन मेक अ डिपॉजिट एट एनी ब्रांच. तो आप किसी भी ब्रांच से ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है वो आप उसको कैश करवा सकते हैं. इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ क्रेडिट यूनियन, अगर आप क्रेडिट यूनियन का आपका हिस्सा है, यू कैन मेक इट डिपॉजिट एट योर होम क्रेडिट यूनियन. तो आप जो है आपका होम क्रेडिट यूनियन है वहीं से इसे निकलवा सकते हैं. आर एन अदर ब्रांच या किसी दूसरी ब्रांच है. इफ एनी क्रेडिट यूनियन इज पार्ट ऑफ अ लार्ज नेटवर्क, अगर जो वो है जो है क्रेडिट यूनियन वो एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है. मेकिंग अ कैश डिपॉजिट एट अ लोकल बैंक ब्रांच और क्रेडिट यूनियन टेक जस्ट अ फ्यू स्टेप. इसके लिए हमें क्या है कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है. अभी यहाँ सीक्वेंस मार्क
मार्कर मैंने यूज किए। फर्स्ट फिल आउट अ डिपॉजिट स्लिप विद योर अकाउंट नंबर, आपने क्या करना है डिपॉजिट स्लिप को फिल करना है जिसपे आपका अकाउंट नंबर ऐड होगा। सेकेंडली दूसरा स्टेप क्या है, प्लेस योर कैश एंड डिपॉजिट स्लिप इन एन एनवेलप, और आपने अपनी डिपॉजिट स्लिप एक एनवेलप में रखनी। थर्डली क्या है, हैंड योर एनवेलप टू वन ऑफ द टेलर, और आपने अपना जो है ना अपना एनवेलप उसी एक टेलर को वहां दे देना। आफ्टर मेकिंग अ कैश डिपॉजिट एट अ फिजिकल बैंक और क्रेडिट यूनियन द कैश विल बी counted and the fund will become available in your account immediately in the most cases. तो क्या होगा, आपने उन्हें देना है, जैसे आप देंगे तो आपका जो कैश होगा वो आपके उसमें अकाउंट में जो है वो चला जाएगा और वो वहां सब कुछ मामला तय हो जाएंगे। ठीक है जी, ये एक प्रोसीजर है। ठीक है जी, कैश डिपॉजिट आपने कैश जब आपने डिपॉजिट करवाना है तो उसका क्या मेथड है। अच्छा, यहां मैं आपको लेके चलूंगी कि अगर आपने इसकी वो बनानी है उसे जो आपने उसको फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है जी, उसके लिए हम यहाँ पर गूगल पे आप जाएंगे, मैंने उसकी कुछ जो है आपको फ्लो चार्ट दिखाती हूँ। Depositing cash in bank, तो आप यहाँ से जो है कुछ pictorial form जो है वो ले सकते हैं। Actually, I lost the link. मैंने आपके लिए कुछ pictures निकाल के रखी थी लेकिन unfortunately वो मैं download में पड़ी थी, but वो भी कुछ time पहले मैंने इसे refresh किया तो वहां से vanish हो गई है। Let me find out here. अब यहीं पे हम उसको फ्लो जी मिल गई है, दिस इज द एग्जैक्ट। ये यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इस तरह का फ्लो चार्ट बनाना है, ये पिक्चर्स बनानी है। ठीक है, बुक में आपने कैसे दिया हुआ है, बुक में भी आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ शो कर सकूं, देखिए स्टेप पांच, स्टेप टू, स्टेप थ्री, और ये इस तरह आप राइटिंग आप वन टू थ्री ऊपर नीचे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं आप ऐसे बनाएंगे, आपने बुक पे बनाना है तो आप ऊपर बना सकते हैं। ऊपर वन, वन के बाद इस तरह एरो बनाए, यहाँ एक पिक्चर बनाए और ऐसे बनाकर टू पिक्चर्स बना दे। ठीक है, लेट मी शो के आप जो है वो किस तरह जो है फ्लो चार्ट में जो है वो आप जा सकते हैं। मसलन आप फ्लो चार्ट को कैसे जो है आपकी बुक में दिया गया है तो हम उसे फाइंड आउट कर लेते हैं और मैं वो आपको बताती हूँ। इस पे लेक्चर बड़ा डिटेल में मौजूद है। ठीक है, तो आप उसे वहां पे भी जाकर जो है वो देख सकते हैं, उस लेक्चर को समझ सकते हैं, आपको बनाने में और भी आसानी हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ अभी ट्राई कर रही हूँ, ये मैंने आपके लिए निकाल के रखा हुआ है। अगर मैं थोड़ा ऊपर जाऊं तो ये वही वाली एक्सरसाइज है, स्टेप बाय स्टेप प्लांट अ ट्री उसके बारे में, और ये फ्लो चार्ट भी उसी के बारे में बनाया हुआ है। यहाँ देखें स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है वैसे ही। ठीक है, और ये जो है आपने ये एक्सरसाइज नंबर 10 है जिसमें वो फ्लो चार्ट। नाउ हियर इज अनदर फ्लो चार्ट विद द एरोज शोइंग अ सीक्वेंस आर स्टेप ऑफ प्लांटिंग अ ट्री। कह रहे हैं यहाँ एक फ्लो चार्ट बनाया गया एरो की मदद से, ये देखें ना। तो आप मेन यहाँ लिख सकते हैं डिपॉजिटिंग अ कैश इन अ बैंक, यहाँ पहला स्टेप लिख सकते हैं, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, और इस तरह एक सीक्वेंस। नहीं तो आप ऊपर यहाँ लिखें पहला एरो, फिर दूसरा, फिर एरो, फिर तीसरा, और यहाँ पे एंड द कंक्लूजन। इस तरह भी आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, एरो भी डाल सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द स्टेप ट्री ग्रो के स्टेप ज्यादा है इसलिए यहाँ इस तरह है। तो आप इस तरह एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। मैं दोबारा आपको दिखाती चलूं कि जो मैंने आपको जो दिखाया है नेट पे वो ये है, क्योंकि हमने बैंक का बनाना है कि हम डिपॉजिट कैसे करवा सकते हैं, तो आप इसमें से हेल्प ले सकते हैं। इस तरह की पिक्चर्स ना भी बने तो आप जस्ट लिख सकते हैं जो मैंने स्टेप्स आपको बताए थे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर मजीद आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इसी तरह देख सकते हैं आप। बट टू नो अबाउट डिपॉजिटिंग कैश एट एन एटीएम, एटीएम में अगर करवाने हो तो उसका मेथड है, लेकिन उन्होंने हमारा सिंपल पूछा हुआ तो इसलिए हमने आपको सिंपल का सिखा दिया। सो व्यूवर्स, होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो व्यूवर्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज फॉर नाउ।